नागपुर शहर के चर्चित नाम सुभाष पेप्सी उर्फ सुभाष शाहू की हत्या के मामले में आरोपी रह चुके जूनी शुक्रवारी निवासी गमछू उर्फ महेश नामदेव लांबट की मंगलवार की रात हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि 5 से 6 आरोपियों ने गमछू को घर के समीप ही घेर लिया, लाठी हॉकी और पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजन गमछू को लेकर अस्पताल तो गए लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि रात मंगलवार की रात जूनी शुक्रवारी निवासी गमछू उर्फ महेश नामदेव लांबट अपनी मोटरसाइकिल पर गजानन चौक के पास से जा रहा था। घर से 100 मीटर की दूरी पर ही हमलावरों ने उसे घेर लिया। पहले तो डंडे और हॉकी से सिर पर वार किया गया। गमछू ने आरोपियों का विरोध किया लेकिन लगातार प्रहार होने से अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसके जमीन पर गिरते ही हमलावरों ने सिर पर पत्थर से वार कर दिया। गमछू के ढेर होते ही आरोपी वहां से भाग निकले। गमछू के दोस्त और परिजन जमा हो गए। उसे तुरंत उपचार के लिए जगनाड़े चौक के 7 स्टार अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच कर गमछू को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी लोहित मतानी और गजानन राजमाने मौके पर पहुंचे। आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें तुरंत रवाना की गई। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में गमछू का कई लोगों के साथ विवाद हुआ था। पोले के दिन उसका दाद्या नामक व्यक्ति से विवाद होने की जानकारी मिली है। एक प्रॉपर्टी के संबंध में गमछू ने सकरदरा के चर्चित बिल्डर के साथ भी विवाद किया था। शहर में मांडवली बादशाह के नाम से चर्चित सुभाष साहू उर्फ पेप्सी की 28 सितंबर 2011 को हत्या हुई थी। सुभाष के सबसे करीबी लोगों में से एक गमछू भी था। फॉरेंसिक जांच में पता चला था कि सुभाष को प्रसाद में साइनाइड देकर मारा गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने लकी खान उर्फ नदीम शेख और गमछू को गिरफ्तार किया था। लकी खान ने ही साधु के वेश में सुभाष शाहू को साइनाइड दिया था। इस मामले में 31 जनवरी 2018-17 न्यायालय ने लकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में गमछू को बरी कर दिया गया। गमछू की हत्या को सुभाष के मर्डर से भी जोड़ा जा रहा है। शहर के कई अपराधी सुभाष को अपना गॉडफादर मानते थे। हत्या में बरी होने के बाद गमछू कई लोगों की आंख में खटक रहा था। ये महेश नामदेव राव लांबट जूनी शुक्रवारी का रहने वाला आदमी है, उसकी हत्या हुई है। हत्या कितने की है वो अभी हम लोग चौकसी चालू है। आरोपी अभी अटक नहीं हुए और गर्दन पर कोई धारदार शस्त्र से मारा है और डंडे से मारा है, उसकी वजह से हत्या हुई है। इसी वो पुराने गुने 1999 के 96 के 2011 में इसके ऊपर एक मर्डर रहा है। वो आरोपी को अटक करने के बाद समझ में